हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिग्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट। पिछले वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से और फोर्थ तक कंप्लीट कर लिए थे। आज से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें x के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला है। देखो यहाँ पे तो a की फंक्शन है, ठीक है ना। इसमें u इंटू वी, यू बाई वी यूज ही नहीं हो रहा, तो log लेने की जरूरत नहीं है। इसने तो ऑलरेडी log का फंक्शन दे रखा है ना। डायरेक्ट आप इसमें x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो इसका। dy वाई बाई डी एक्स इक्वल लॉग एक्स फॉर में 1 बाई एक्स, लेकिन जो log के अंदर था उसका भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना x के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। प्लस फॉर में ना, इसका अलग प्लस इसका अलग। ये रूट एक्स फॉर में है तो क्या आएगा, 1 बाई टू रूट एक्स फॉर, टू रूट एक्स माइनस ए प्लस एक्स का तो वन हो गया, ए का जीरो हो गया, ठीक है। प्लस ऐसे इसका करो, वन बाई टू रूट एक्स माइनस बी, बी का जीरो हो गया, एक्स वन आएगा, वन अपॉन रूट एक्स माइनस ए प्लस रूट एक्स माइनस बी, ये आ गया। यहाँ से टू कॉमन आ रहा है ना, अपॉन में कॉमन लिया मैंने, ठीक है ना। इन टू जो बच गया उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या रहा है, दोनों का प्रोडक्ट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे मिलेगी टर्म x माइनस बी रूट के अंदर, और यहाँ पे मिलेगी रूट के अंदर x माइनस ए। अब देखो ये टर्म सेम है, कैंसिल हो गई, क्या बचा, वन अपॉन टू इंटू सेम टर्म मल्टीप्लाई में रूट के अंदर, सेम टर्म नहीं सॉरी, रूट के अंदर दो टर्म मल्टीप्लाई है, तो रूट के अंदर मिलेगा x माइनस ए इंटू x माइनस बी, ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं फिफ्थ का सेकंड पार्ट, अच्छे से देखना इसको। आगे काम की एक चीज आएगी इसमें, dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टेन एक्स मान के करो इसको। टेन एक्स को क्या, टेन एक्स का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, sec स्क्वायर x, x बोले तो ये एंगल, लेकिन जो एंगल है ना उसका भी डिफ्रेंसिएट करेंगे। dy वाई डी एक्स लॉग साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में कर देंगे इसका सेक स्क्वायर, और ये जो इसका एंगल है उसको लिखो लॉग साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स मान के करो, लॉग एक्स का वन बाई एक्स, ठीक है। लेकिन जो एक्स है मतलब ये जो मिल रहा है लॉग के साथ, इसका करो वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होता है ना, ठीक है। क्या मिल गया, ऊपर तो आ रहा है सेक स्क्वायर लॉग साइन इनवर्स एक्स, और नीचे साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। काम की बात ये है कि अपॉन में जो साइन इनवर्स आ रहा है ना उसको ऊपर ले जाके साइन एक्स मत लिख देना, ये गलती मत करना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, एक तो साइन एक्स, एक होता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। ये तो होता है एंगल, और ये आप मान के चलो कोई नंबर, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान रखना ये जो एंगल वाला है ना, ये ऊपर आएगा तो इसकी एक्सपोनेंट चेंज नहीं होगी। ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो आप, वन अपॉन साइन इनवर्स है तो कोसेक इनवर्स कर सकते हो, लेकिन इसको ऊपर ले जाके साइन, इसकी जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव वन नहीं कर सकते। साइन एक्स होता है ना, अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो आप उसको लिख सकते हो साइन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो एंगल है इसकी जो साइन है ना इसका स्क्वायर होता है, और जो साइन इनवर्स में आ रहा है, ठीक है, तो ये इनवर्स का मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कंप्लीट की इनवर्स, ये अलग है ये अलग है। तो ध्यान रखना ये ऊपर आएगी तो कोसेक इनवर्स चेंज हो, कोसेक इनवर्स में चेंज हो सकती है, पावर प्लस में नहीं रहेगी, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, डिफ्रेंशिएट करें भाई, एक ही फंक्शन है लॉग का, लॉग एक्स फोर में वन बाई एक्स, ठीक है। अब साइन का करो, साइन का क्या आएगा कोस, अब रूट का कर दो वन अपॉन टू रूट, ठीक है। अब अंदर कौन है रूट का, उसका वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ये टू कैंसिल हो गया। कोस अपॉन साइन, एंगल सेम है कोट, और इनका एंगल अपॉन, साथ में एक्स था उसको लिखो अपॉन
रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल लॉग एक्स फॉर में, इसका आएगा वन बाई एक्स, एक्स मतलब ये कंप्लीट। अब इसका करो अंदर वाले का, इसका तो हो गया वन और ये रूट एक्स फॉर्म में, इसका आएगा वन बाई टू रूट एक्स, टू रूट एक्स बोले दो जो अंदर था। अब अंदर वाले का कर दो, वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स, ये टू कैंसिल हो गया, वन अपॉन एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू, यहाँ पर मिल रहे हैं वन प्लस एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू, एलसीएम क्या रहे रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको वन से करोगे तो ये टर्म आएगी वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस ये कैंसिल एक्स, अब देखो ये सेम टर्म है कैंसिल होगी, एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स वाली ऊपर आ गया वन, नीचे आ गया रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर। नेक्स्ट इसको पहले सोल्व करके लिखेंगे, e टू दी पावर लॉग में हो ठीक है या लॉग में e आ रहा हो उस वो कैंसिल हो जाते हैं, क्या बच गया x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका अब डिफ्रेंशिएट कर दो, x का वन हो गया रूट एक्स फॉर्म में है वन बाई टू रूट एक्स फॉर्म में आएगी, अंदर का क्या था उसको लिख दो, अब इनका डिफ्रेंशिएट कर दो, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर का आ गया टू एक्स, ये टू कैंसिल हो गया, वन प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल लॉग एक्स फॉर में ना, इसका क्या आएगा वन बाई एक्स, वन बाई ये कंप्लीट टेन इनवर्स कोस एक्स स्क्वायर ठीक है। अब टेन इनवर्स वाले का करो, टेन इनवर्स एक्स मान के, टेन इनवर्स एक्स का आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब अंदर कौन है इसका एंगल उसका करो, कोस है ना, हाँ टेन इनवर्स के साथ कौन था, एंगल तो ये कंप्लीट है, कॉस का क्या आएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, अब साइन के एंगल एक्स स्क्वायर का करो टू एक्स ठीक है, माइनस टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स कोस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर। सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल लॉग, देखो इसको पहले तमीज से लिख लो, ये जो है ना लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसके एक्सपोनेंट क्या है रूट है मतलब हाफ पावर है ठीक है ना, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो एक्सपोनेंट है ना उसको आगे लिखते हैं कोफिशेंट फॉर्म में, तो वन बाई टू आगे आ गया और लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन बच गया ठीक है। अब इसको भी चेंज करो, वन बाई टू एज इट इज, लॉग एम माइनस एन फॉर्म, सॉरी लॉग एम बाई एन फॉर्म है तो ये आएगा लॉग एम माइनस लॉग एन फॉर्म में, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी ये जो वाई था ना ये सोलो की ये आ गया ठीक है ना, वन बाई टू एज इट इज, और इसका करो लॉग एक्स फॉर्म में वन बाई एक्स ठीक है, माइनस इसका क्या आएगा वन बाई एक्स प्लस वन, वन बाई टू एज इट इज, एलसीएम क्या रहा है दोनों का प्रोडक्ट एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, यहाँ पे मिलेगा x प्लस वन, माइनस आ गया है तो साइन चेंज माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, अब ये x कैंसिल हो गया, वन बाई टू इंटू ऊपर आ गया वन प्लस वन टू और नीचे आ रहा है a माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टू कैंसिल हो गया, ऊपर वन नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये इसका आंसर है। जो सेकंड पार्ट है इसमें या तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा लो, ये एक्सपोनेंट हाफ है हाफ आ जाएगी, फिर m बाई एन वाली प्रॉपर्टी लगेगी लॉग एम माइनस लॉग एन, या फिर आप इसी को सॉल्व कर लो अंदर, इसी को सोल्व कैसे करेंगे वो देख लो, जो डेनोमिनेटर है ना उसका रेशलाइज कर लो ताकि रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रेशलाइज किया मैंने वन प्लस साइन एक्स ऊपर और वन प्लस साइन एक्स नीचे, ये जो भी है रूट के अंदर ही कर रहा हूं ठीक है ना, ये रूट के अंदर है, वाई इक्वल लॉग ऊपर होल स्क्वायर हो गया ना वन प्लस साइन एक्स का, तो वन प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर से ऊपर का रूट कैंसिल, नीचे a माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे का रूट रह गया लॉग वन प्लस साइन एक्स
और नीचे क्या आ गया कोस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल ओनली कोस एक्स। अब इसमें लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, लॉग एम बाई एन फॉर्म है ना, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स फॉर्म है वन बाई वन प्लस साइन एक्स, और वन का जीरो साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, माइनस इसका क्या आएगा वन बाई कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स वो माइनस इसको प्लस कर देगा साइन एक्स, ठीक है। ऊपर आ रहा है कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ऊपर तो है कोस एक्स और नीचे आ रहा है वन प्लस साइन एक्स, फिर है प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स, एलसीएम क्या आ रहा है दोनों का प्रोडक्ट कोस एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स, कैंसिल कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ये टर्म, तो क्या आएगा साइन इंटू वन साइन एक्स प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स, एलसीएम लेके सोल्व किया मैंने, ठीक ना, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन हो गया, ये एज इट इज साइन एक्स, और नीचे आ रहा है कोस एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स, ऊपर भी वन प्लस साइन एक्स नीचे भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया वन बाई कोस एक्स, और ये क्या होते हैं सेक एक्स, तो इसका आंसर आ गया सेक एक्स। थर्ड को देखते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, ये क्या एक्सपोनेंट हाफ है ना, तो हाफ आगे आ गया और अंदर बचा रह गया वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस ई टू एक्स, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करेंगे, लॉग एम बाई एन फोर में ना, लॉग वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस लॉग वन माइनस ई टू द पावर टू एक्स, ठीक है, सेपरेट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, वन बाई टू एज इट इज कॉमन आ रहा है पूरे में, लॉग एक्स फॉर्म में क्या आएगा वन अपॉन एक्स, ठीक है, इस फॉर्म में वन का जीरो कोस स्क्वायर का क्या आएगा एक्सपोनेंट आगे टू कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस लॉग एक्स फॉर्म में वन अपॉन फोर में आएगा, ठीक है ना, वन का जीरो और माइनस ई टू द पावर माइनस टू एक्स का माइनस, वो माइनस इसको प्लस कर देगा ई टू द पावर टू एक्स एज इट इज और टू एक्स का टू आ गया, ठीक है। वन बाई टू, टू से टू कॉमन आ रहा है ऊपर से कॉमन ले लो टू, वो टू इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया साइन एक्स कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स नेगेटिव और पॉजिटिव ई टू द पावर टू एक्स अपॉन वन माइनस ई टू द पावर टू एक्स, ठीक है, ये टू कैंसिल हो गया, क्या बच गया एक तो ये पॉजिटिव टर्म ई टू द पावर टू एक्स अपॉन वन माइनस ई टू द पावर टू एक्स और ये माइनस वाली टर्म साइन एक्स कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, इसमें भी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये रूट का मतलब क्या एक्सपोनेंट हाफ है ना, हाफ आगे आ गई और लॉग बचा क्या हुआ है ऊपर तक वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे वन माइनस टेन एक्स, फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वन बाई टू एज इट इज, लॉग एम अपॉन एन फॉर्म है ना, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस लॉग वन माइनस टेन एक्स, वन माइनस टेन एक्स, ठीक है ना। अब डिफ्रेंशिएट कर दो क्योंकि आगे और ब्रेक नहीं हो रहा, वन बाई टू एज इट इज और ये आ गया लॉग एक्स फॉर्म में, लॉग एक्स का क्या आएगा वन बाई एक्स फॉर्म वन बाई ये कंप्लीट वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, वन का जीरो हो गया साइन स्क्वायर का क्या आएगा टू साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, माइनस इसका क्या आएगा लॉग वन माइनस टेन एक्स का वन बाई वन माइनस टेन एक्स और जो वन है उसका कॉन्स्टेंट है जीरो हो गया माइनस टेन एक्स का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। वन बाई टू ये बन गया साइन टू एक्स, नीचे आ रहा है वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ऊपर आ रहा है इधर साइन सॉरी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स, ये इसका आंसर।
नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लॉग एम बाई एन फोर में ना लॉग एम माइनस लॉग एन, यानी लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला। ए माइनस बी साइन एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि आगे इसके पार्ट नहीं हो रहे तो डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएट करो, लॉग एक्स फॉर्म में है, इसका आएगा वन बाई एक्स, यानी ए प्लस बी साइन एक्स। अब इसका करो, ए का जीरो, बी कांस्टेंट है, साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, कांस्टेंट मतलब इसका कोफिशिएंट है, ठीक है ना, प्रोडक्ट फॉर्म में एज इट इज रहेगा। माइनस इसका क्या आएगा, वन बाई ए माइनस बी साइन एक्स, ए का जीरो हो गया माइनस बी प्लस करेगा इसको, साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, बी कोस एक्स दोनों में आ रहे हैं, बी कोस एक्स कॉमन लिया मैंने, वन अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस वन अपॉन ए माइनस बी साइन एक्स, बी कोस एक्स एलसीएम आ रहा है दोनों का प्रोडक्ट, ए प्लस बी साइन एक्स इंटू ए माइनस बी साइन एक्स, यहाँ पे आएगा ए माइनस बी साइन एक्स प्लस यहाँ पे आएगा a प्लस बी साइन एक्स। अब माइनस बी साइन एक्स और प्लस बी साइन एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, a प्लस ए टू ए, टू ए इसके साथ है b कोस एक्स, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फोर में ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये इसका आंसर। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, देखो ये जो रूट लॉग के अंदर आ रहा है ना, इसको पहले सोल्व करते हैं, छोटा हो जाएगा। सोल्व कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर है ना उसका रेशलाइज कर लेंगे, रेशलाइज करने से कुछ ना कुछ ऊपर और कुछ ना कुछ नीचे कटेगा, ऊपर तो नीचे तो क्या होगा आइडेंटिटी लग जाएगी, और ऊपर कुछ ना कुछ कटेगा, ऊपर भी आइडेंटिटी लगेगी। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेशलाइज कर रहे हैं तो a प्लस एक्स प्लस साइन के साथ, यहाँ पे माइनस है तो प्लस साइन लेंगे, a माइनस एक्स और नीचे भी एज इट इज a प्लस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, y इक्वल लॉग सेम टर्म है होल स्क्वायर हो गया ना, a प्लस एक्स रूट के अंदर और रूट के अंदर a माइनस एक्स कंप्लीट का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट गया, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट गया, लेकिन आगे माइनस है तो दोनों के साइन चेंज, माइनस ए प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया a, x प्लस एक्स नीचे तो आ गया 2x, और ऊपर क्या मिलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, एक्सपेंड कर दो, ए स्क्वायर रूट हट गया प्लस बी स्क्वायर रूट हट गया प्लस 2ab, 2 इंटू रूट के अंदर दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स करो रूट के अंदर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर को मैंने एक्सपेंड कर दिया, x कैंसिल हो गया, y इक्वल लॉग a प्लस ए टू ए प्लस टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स, यहाँ तक दिख रहा है क्या, ठीक है। अब 2 ऊपर भी है कॉमन नीचे भी है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, ठीक है ना, फिर क्या बचेगा, y इक्वल लॉग न्यूमरेटर में तो मिलेगा a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो 2 था उसको कॉमन लेके कट कर दिया, और नीचे क्या है x, नीचे के 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये आ गया log m बाई n फॉर्म, log m माइनस log n माइनस log n, n बोले तो x, अब इनका डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है ना, इससे ज्यादा सोल्व नहीं हो रहे, y आ गया सोल्व के, dy वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स फॉर्म में तो इसका आएगा वन अपॉन एक्स फॉर्म, यानी a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका भी डिफ्रेंशिएट करो, a का तो जीरो हो गया, ये रूट में आ रहा है ना, तो इसका क्या आएगा वन बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स, तो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस टू एक्स, ये टू कैंसिल हो गया, माइनस माइनस लॉग एक्स का वन बाई एक्स आ गया, dy वाई बाई डी एक्स इक्वल ऊपर आ रहा है माइनस एक्स, और नीचे
रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, ये टर्म आ रही है। ज़्यादा ज़्यादा माइनस साइन कॉमन ले सकते हो दोनों से, और भी ज़्यादा सोल्व करना चाहो तो इनका एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक छोड़ दो। देखो इसको अपन ने सोल्व कर लिया, ये आ गया, लेकिन एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना कि भैया हम बुक का आंसर रट के जाएंगे और वैसा करेंगे। यहाँ तक कर दिया आपने, यहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर भी बुक का आंसर मैं मैच करवा रहा हूँ। एक बार देख लो उसको, एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। उसने एलसीएम लेके सोल्व कर रखा है x इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस था माइनस हो गया, माइनस ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी ना, ठीक है, वन से। तो इस टर्म को मैं इससे करूँगा तो ये तो टर्म आएगी, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा, ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इससे करूंगा तो रूट हट जाएगा, दोनों का सेम है ना, रूट हट जाएगा, लेकिन आगे माइनस है तो साइन चेंज, माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस ए कॉमन ले लो इन दोनों से, माइनस ए कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए, ए के कॉमन आ गया, ए के बच गया, साइन चेंज इसलिए हो गया क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अपॉन ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ है एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल। ठीक है, क्या बचा, माइनस ए अपॉन एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपकी बुक में ये आंसर दे रखा है, आपने एलसीएम नहीं लिया था, मतलब मैंने एलसीएम नहीं लिया था, उसके बाद सोल्व किया तो ये आंसर आ गया, वैसे ये भी ठीक है। ठीक है, डिफरेंस ऐड कर दिया, जितना सोल्व हुआ उतना कर दिया भाई। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है सेवंथ, इसके चार पार्ट है, इसमें प्रूव करवा रहा है फंक्शन रखे ये, और प्रूव करवाया है कि जो डिवाइड बाई डीएक्स है उसकी वैल्यू sec x आएगी, यानी ये इधर आएगा तो माइनस sec x इक्वल जीरो होगा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि डीवाई बाई डीएक्स निकालना है आपको, डीवाई बाई डीएक्स इक्वल log x मान के करो, log x का वन बाई, ठीक है। अब tan का करो sec स्क्वायर, अब एंगल का करो, ये कॉन्स्टेंट जीरो, एक्स बाई टू का वन बाई टू आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर, इसको क्या लिखें, वन अपॉन कोस स्क्वायर, एंगल एज इट इज, अपॉन टेन को क्या लिखें, साइन अपॉन कोस, एंगल एज इट इज, टू था उसको लिखा मैंने वन बाई टू अलग से, वन बाई कोस स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा, कोस एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर नीचे, सॉरी ऊपर, और नीचे आएगा साइन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर, एक टर्म कैंसिल होगी इसकी। ठीक है, क्या आ गया, वन अपॉन टू साइन थीटा कोस थीटा, थीटा सेम, साइन टू थीटा, साइन टू इंटू थीटा, थीटा मतलब ये एंगल, एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर, वन अपॉन साइन टू को अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक्स प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, वन बाई कोस थीटा क्या है यहाँ पे, एक्स 90 प्लस थीटा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ऊपर आएगा तो sec x, इधर क्या है dy वाई बाई डी एक्स, तो dy वाई बाई डी एक्स ये इधर आएगा तो माइनस sec x हो जाएगा, इक्वल क्या बचा, कुछ नहीं, जीरो, हैंस प्रूव। सेवंथ का सेकंड पार्ट देखते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये आना चाहिए, dy वाई बाई डी एक्स log x फॉर्म में। ठीक है, ऐसा करो इसको सोल्व कर लो, पहले y को ही सोल्व कर लो, y इक्वल log एलसीएम क्या रहे, रूट एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स प्लस वन, ये आ गया log m बाई एन फॉर्म, log m
माइनस लॉग एन। और भी आगे सोल्व हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस वन माइनस, इसके एक्सपोनेंट क्या है, हाफ है ना, वो आगे आएगी वन बाई टू, लॉग एक्स बच गया। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल लॉग एक्स फोर में वन बाई एक्स प्लस वन, वन का जीरो, एक्स का वन हो गया। ठीक है, माइनस वन बाई टू एज इट इज, लॉग एक्स का वन बाई एक्स तो अपोन एक्स आ गया। एलसीएम क्या आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट टू एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन कैंसिल, टू एक्स माइनस टू एक्स कैंसिल, एक्स प्लस वन लेकिन आगे माइनस है तो माइनस एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस एक्स एक्स और माइनस वन। ठीक है, हेंस ट्रू, चेक करो वो ही ना, बस हो गया। देखो भाई इसमें डिफ्रेंशिएट करना है, करो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, अब देखो अगर आप यहां पे लॉग लेते तो ये कंप्लीट के साथ लॉग माइनस ये चीज, ठीक है ना, यहां पे लॉग आता लॉग, फिर ये m माइनस एन फॉर्म है तो m माइनस एन फॉर्म क्या बनती, कुछ नहीं बनती। अगर ये होता ना m अपॉन n तो बन जाते log m माइनस log n, या m इंटू n तो log m प्लस log n, तो उससे फायदा नहीं था। हाँ अगर चाहो तो आप इसको सेपरेट u या v जो भी लेट करना चाहो u लेट कर लो, फिर इस पे log ले लेना, फिर इसकी आंसर यहाँ पे पुट करना और इसका डिफ्रेंशिएट करना, वो थोड़ा उट पटांग सा लगेगा आपको, वो आगे करेंगे। तो इसमें डायरेक्ट देख लो u बाई v फॉर्म से, ठीक है ना, u बाई v से अपन ने किया भी नहीं है, इसको देख लो तो u बाई v फॉर्म से करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसको एज इट इज न्यूमरेटर में लिखते हैं और इसका डिफरेंशिएट करेंगे ना तो u इंटू वी फॉर्म से x को छोड़ दिया, cos इनवर्स x का माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस cos इनवर्स x को छोड़ दें और x का हो गया वन, इसको एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसको एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा अपॉन टू रूट फोर में वन का जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स, वो माइनस इसको प्लस करेगा, टू से टू कैंसिल, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पता लगा क्या क्या, यू बाई वी फॉर्म से कर रहे हैं, ठीक ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, इसको एज इट इज लिखा, इसका आ गया वन बाई टू रूट एक्स, ठीक है टू रूट एक्स फोर में आ गया, वन का जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स, वो माइनस इसको प्लस कर चुका और जो टू एक्स था वो टू इससे कैंसिल हो गया, x बचा, x को x से मल्टीप्लाई कर दिया जो ऊपर x था ना उससे, अपॉन डेनोमिनेटर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, ठीक है माइनस इसका डिफरेंशिएशन करो वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है अब रूट वाले का करो वन बाई टू रूट एक्स फोर में, टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन का जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स, वो इसको प्लस करेगा टू एक्स, ये टू कट गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो क्या आ गया माइनस एक्स, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस इनवर्स एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है प्लस यहां पे क्या मिल रहा है एक्स अपॉन सेम टर्म है वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है अब ये टर्म इनसे मल्टीप्लाई होगी दोनों से तो क्या मिलेगा माइनस एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सेम टर्म में रूट हट गया वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स अपॉन जो एलसीएम था वो, लेकिन इसके साथ ये टर्म भी मल्टीप्लाई आएगी अपॉन भी है ये भी, प्लस एक्स अपॉन रूट नहीं है वन माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम क्या रहा है वन माइनस एक्स स्क्वायर होल थ्री बाई टू, वन एंड हाफ, थ्री बाई टू है ना, इसमें एक्सपोनेंट वन है तो बड़ी एक्सपोनेंट एलसीएम आती है तो थ्री बाई टू एक्स बड़ी थी उसको मैंने एलसीएम में लिखा, ठीक है अब क्या बच गया यहाँ पे माइनस एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स एक्स को वन से करो कोस इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से करोगे तो सेम टर्म में कैंसिल खत्म कहानी, ठीक है प्लस ये टर्म कैंसिल होगी वन टाइम रूट बच गया ना रूट वाला वन माइनस एक्स स्क्वायर उसको एक्स से करो तो एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया सेम टर्म में ये भी कैंसिल क्या आ गया
कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंट थ्री बाई टू, हैंस प्रूव। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लेना, हो जाएगा सोल्व। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वाई आपको दे रखा है, इसको तमीज से लिखो पहले, क्योंकि जो लॉग वाला है ना वो दिक्कत करेगा, वरना बाद में उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इसके एक्सपोनेंट क्या, कंप्लीट की हाफ है ना, एक्सपोनेंट को आगे लिखते हैं वन बाई टू। अब क्या बच गया, लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, एक्सपोनेंट आगे आ गई है, वाई इक्वल टेन इनवर्स ए बाई एक्स प्लस वन बाई टू, लॉग एम बाई एन फॉर्म है, लॉग एन माइनस लॉग एन, ये हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टेन इनवर्स एक्स का होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन जो ये ए बाई एक्स है ना, इसका भी करना है, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा। वन बाई एक्स का क्या आएगा, माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर। कैसे आया, एक्स की पावर ऊपर आएगी तो माइनस वन हो जाएगा ना, एक्सपोनेंट आ गया, माइनस आ गया, आ गया एक्स, ये सॉरी टू नहीं आएगा, माइनस ये आएगा, सॉरी भाई वन बाई एक्स है ना, इसको क्या लिखोगे, एक्स इनवर्स, इसका डिफ्रेंशिएट करो, माइनस वन आगे आ गया, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, यानी माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या है, ये तो हो गया प्लस वन बाई टू एज इट इज, इसको डिफ्रेंशिएट करो वन बाई एक्स माइनस ए, माइनस इसको करो वन बाई एक्स प्लस ए। ठीक है, वन अपॉन एलसीएम लेके सोल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म में ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या है माइनस, आगे लिखो ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू, एलसीएम क्या रहा है, दोनों का प्रोडक्ट एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे मिलेगा एक्स प्लस ए माइनस साइन ए, तो दोनों के साइन चेंज, एक्स कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा ना, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, मैंने यहाँ पे कर दिया, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या मिल रहा है टू ए, क्या मिल रहा है टू ए, वो टू इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया ए अपॉन, दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी बन गई है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये देखो, ये भी आइडेंटिटी बन रही है, पावर फोर में बन रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इनका एलसीएम क्या आएगा, ऐसा करो आप पहले ए कॉमन आ रहा है, ए को कॉमन ले लो, जैसे ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस वाली टर्म वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए इंटू इनका एलसीएम क्या रहा है, दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस साइन है तो इनके साइन चेंज, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो, सॉरी ए स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या आ गया, ए इंटू टू ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर टू, टू ए क्यूब, और नीचे एक्स राइज टू पावर फोर माइनस ए राइज टू पावर फोर, हैंस प्रूव। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।